अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ आप लोग अपना क्वारंटाइन टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। और आप समझ लें कि ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं पहला व्लॉग अपना करने जा रहा हूँ। अगर आप सब के सब, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप सब के सब जो मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब लाजमी आप कर दिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो पता लग जाएँ। और मैं जो भी वीडियोस बनाऊँगा उसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता भी सकते हैं कि आप टॉपिक वाइज इसके ऊपर आप वीडियो बना लें, मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा आप लोगों के लिए वीडियोस। और ये मैं पूरी अपनी फैमिली क्रिएट करूँगा यूट्यूब की, इंशाल्लाह। बाकी आगे मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आगे मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब चाहिए। और आज मैं कुछ नहीं 15 दिन के बाद निकल के जा रहा हूँ घर का ग्रॉसरी आइटम सारा परचेज करने के लिए, क्योंकि क्वारंटीन में रह रह करके सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सीरियसली आज 15 दिन से मैं घर पे था और अब मैं निकल के जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ से जा कर के आप अपनी ग्रॉसरी को परचेज कर सकते हो, जबकि पूरा कराची इस वक्त लॉकडाउन हुआ हुआ, कहीं पर भी लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना फैल चुका है हर जगह पर कि लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि जहाँ से भी मैं वीडियोस बना सका मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन मैं ब्लॉग के लिए कुछ भी करूँगा। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें मेरे साथ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम कैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा कर हम लोग अपना ग्रॉसरी आइटम सारा परचेज कर रहे हैं। तो वेट कर, तो जनाब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लकी वन के ऊपर और हम लोग यहाँ से अपनी पूरी घर की ग्रॉसरी की शॉपिंग करेंगे केयरफोर्स से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता ही है लगा है कि लोगों को ये लोग स्क्रीनिंग करके अंदर छोड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, इससे कम से कम मैं तो सेफ फील कर सकता हूँ कि अंदर कोई भी टेम्परेचर वाला शख्स नहीं हो सकता। और सेकेंड तो मुझे पता है यहाँ पे ये लगा है कि लोगों की जो ट्रॉलीज हैं उनको यहाँ पे भी सैनिटाइज करके दिया जा रहा है। तो अंदर चलते हैं, बंदा चल के जरा सूरत हाल देखते हैं, अब लोग मेरे साथ हैं। आपकी फ्री में स्कैनिंग हुई है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, हम लोग आ गए हैं लकी वन में स्कैनिंग करवाने के बाद। सॉरी आपको दिखा नहीं सका, मुझे स्कैनिंग वाली वीडियो भी दिखानी थी कि लोग यहाँ पे स्कैन करके सारे के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के लोगों को अंदर आने दे रहे हैं, उससे पहले नहीं आने दे रहे। ये सामने खड़े हुए शायद आपको दिखाऊँ गूगल कर दिया तो कैमरे से, तो यहाँ पर ये पता लग जाएगा आपको। खैर अच्छा हो रहा है, स्कैनिंग हो रही है सबकी। अब हम उसकी पार्किंग में आ गए, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर जाएंगे केयरफोर थोड़ा बहुत ग्रॉसरी आइटम्स को परचेज करने के लिए। की बात करिए, मुझे याद है। चलो भाई अब हम ऊपर चलेंगे और फिर आपको दिखाता हूँ मैं केयरफोर में क्या सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप, खैरियत से हो। उम्मीद करता हूँ सब सब खैरियत से हो गया। असल में आजकल कोरोना का सीज़न चल रहा है तो सेफ्टी प्रिकॉशन सबको लेने हैं यहाँ पे। अब हुआ ही कुछ यूँ है कि हम लोग आए हुए हैं लकी वन और यहाँ पे हम लोगों को घर की शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी की, कुछ छोटी मोटी। तकरीबन 15 दिन में हम पहली बार बाहर निकल रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, आपके भाई ने ये ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लिया हुआ है। अभी अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि हम जब यहाँ पर आए हुए थे तो इन्होंने सबकी स्क्रीनिंग करी, यानी कि अगर कोई भी कोरोना पेशेंट होगा तो उसको ये लोग आइडेंटिफाई कर देंगे और मॉल के अंदर नहीं आने देंगे। तो कम से कम यहाँ पे तो श्योर तो कर सकते हैं कि अभी किसी और को है नहीं, अगर होता तो वो लोग एंटर नहीं होने देते। तो खैर चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं, मैं अपने मास्क वेयर कर लूँ और फिर मैं आपको उसके आगे की सूरत हाल दिखाता हूँ कि क्या होती है। थैंक यू। मैंने अपना मास्क वगैरह पहन लिया और अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सिक्योरिटी स्कैन मेरा हो चुका है, एंटर उन्होंने मुझे होने दे दिया है और अब ऊपर जा रहे हैं। मैं एस्केलेटर पे हूँ, देखते हैं फिर आगे कैसे हालात होते हैं। मैं हो सके आपको कैमरा भी स्विच करके दिखाता हूँ। तो
खैर मैं भी जा रहा हूँ ट्रॉली लेने के लिए, देखते हैं यहाँ पे लोगों ने कैसे इसके प्रिकॉशंस लिए हुए। वैसे मैंने सुना ही ये था ये लोग ट्रॉली वगैरह सब कुछ साफ़ करके दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एहतियात से दे रहे हैं, तो बस मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसके लिए। तो भाई ये सूरत हाल है, बाकी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ग्रॉसरी को तो बंद नहीं कर सकते, ग्रॉसरी में खोल के रखी हुई, आप ये देख सकते हो साफ़ करके दे रहे हैं, अच्छी सी बात है। वही हम अंदर आ गए हैं, भाई ने मुझे रोक लिया था, कह रहे हैं कि यहाँ पे फिल्मिंग नहीं कर सकते, फिर भी आपके लिए और ब्लॉग के लिए तो करना पड़ेगा ना, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ सामान डालना शुरू कर रहा है, बाकी सी शेल्फ पर लगी हुई है, सामान तो पर काफ़ी सारा है। भाई प्रमोशन नॉट कमिंग स्लो है, आप लोग देख सकते हैं मूवी के टिकट रोज पर 20 मई तक इन्होंने रखा हुआ है, डिस्काउंट दे रहे हैं 350 रुपीज़, ज़बरदस्त पूरा स्टॉक लगाया हुआ है इन्होंने। तो खैर आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको और क्या क्या मिल रहा है, तकरीबन सामान तो बंद ही पड़ा हुआ है। खैर रिकॉर्डिंग चल रही है, सामान ले रहे हैं, सबकी सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक बैड सीन हो गया कि मेरे पास मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गई है, तो खैर मैं आपको इसका जो सिनेरियो दिखाऊंगा घर पहुँच के दिखाऊंगा। सामान ले रहे हैं, सबकी सब चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने खोल के रखा हुआ, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने खोल के रखा हुआ होगा, शॉपिंग चल रही है वैसे तो। मैं आपको अब घर पहुँच के दिखाता हूँ, फिर मैं ऑल पर गार्डन ढूंढ ढूंढ के थक गए, गार्डन नहीं मिल रहा, लूज में मिल रहा है, यानी कि आप ये लेवल चेक कर रहे हैं डिमांड सप्लाई का, ऑल पर आपको लूज में मिल जाएगा, गार्डन नहीं मिलेगा, गार्डन के अंदर सारे के सारे छोटे हैं ये, यानी कि ये एक एक लीटर से भी कम के हैं, पाव वाले डब्बे। खैर चल रहा है हिसाब किताब, इस भाई से पूछता हूँ बताता हूँ। भाई यार ऑल पर होगा आपके पास एक डेढ़ लीटर वाला? हाँ डेढ़ लीटर वाला ऑल पर, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मिला नहीं मुझे यार, देखते हैं क्या बात होती है, भाई कुछ हेल्प करते हैं कि नहीं। जूस काउंटर पे आया हूँ, देख रहा हूँ कि उसमें कोई चीज़ मुझे समझ में आ जाए, तो मुझे ये वाला फ्लेवर अच्छा लगा है गावा का, जो मैंने अभी उठाया है, अच्छा फ्लेवर लग रहा है, पिंक गावा है। एक जगह आई है और ये जगह मुझे अपनी मेरी जन्नत जैसी लगती है, मतलब टूल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं ना, ऑब्वियसली बात है लड़कों का इंटरेस्ट जो होता है या तो वो एसेसरीज में होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है, या फिर ऐसे टूल्स वगैरह में होता है, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा टूल्स में है, तो आपको दिखाता हूँ, फिर उसका फ्लैट शो देता हूँ। ज़बरदस्त। तो फाइनली हमने बहुत सारी अपनी शॉपिंग कर ली है जैसा आपको नज़र आ रहा है, अब हम जाएंगे घर पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ घर के बाद के सीन्स। एवरीवन, तो फाइनली मैं सौदा लेकर के घर पे आ गया हूँ, मास्क लगा लगा के थक गया था, खुली हवा लेने का मेरा दिल चाह रहा था, तभी मैं अपने छत पे आ गया। अब यहाँ के ज़रा सीन चेक करें, फुल यहाँ पे हवा ही हवा है, हर तरफ हवा ही हवा है, मौसम इतना अच्छा हो गया जब से ये क्वारंटाइन के अंदर हम सबके सब घर में बैठे हैं, कंपनीज बंद हुई हैं, सब कुछ बंद हुआ है, तो लॉकडाउन की वजह से भी आप ये समझ लें कि जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल गया था हमारे घर जैसे शहर के अंदर, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी मैं दूर दूर तक आपको दिखाता हूँ, अभी देख रहे हो साफ सुथरा पूरा माहौल है, मतलब कोई वो नहीं है, वो पीछे कटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पीछे। मैं इस वक्त गुलशन सी वाला पूरा व्यू दे रहा हूँ। खैर तो मैं थक गया था मास्क लगा लगा करके, और शॉपिंग की भी मैंने वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी है, मैंने बनाई भी काफ़ी हद तक वीडियोज़ वगैरह, लेकिन एंड में क्या कहते हैं आपके मैनेजर साहब आ गए थे, उन्होंने आके मना कर दिया कि सर अब आप क्या कहते हैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न। तो मैंने कहा इट्स ओके, मुझे आपकी भी प्रमिस का ख्याल रखना है, तभी जितना हो सका बस मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपको साथ में एक बात और भी बताता चलूँ कि इस वक्त मेरा हुलिया देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा बड़ी दाढ़ी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है भाई, लॉकडाउन है, कुछ नहीं खुला हुआ। मैं सब अगर आपको अपने घर के नीचे का ही पूरा अपना व्यू दूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं खुला हुआ,
सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। तो आप लोगों से दुआ है और जितने भी यहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं उन सबसे दुआ है कि भाई आप प्लीज़ इतनी सी दुआ ज़रूर लाजमी करें अपनी हर नमाज में कि ये जो मसले मसाइल आए हुए हैं, जो कोरोना वायरस हर तरफ फैला हुआ है, ये अल्लाह ताला ख़त्म कर दें जल्द से जल्द, ताकि हम सब के सब अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाए, जिसको जो काम करना अपने ईजीली काम कर सके। आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं, तो सबके लिए बस अल्लाह पाक एक आसानी वाला मामला करें आप। अच्छा, और मैं लास्ट आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ब्लॉग वाकई में अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपका अपना फीडबैक हो, बहुत अच्छा बहुत बुरा जो भी हो, और जो हमें सजेस्ट करेंगे इंशा अल्लाह मैं उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनों को बहुत सारा प्यार दें और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।